देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पहली बार ये आयोजन बड़े स्तर पर आयोजित नहीं किए जा सके हैं। वहीं कोरोना महामारी के कारण इस बार हमीरपुर के बाल मैदान में युवा सेवा एवं खेल विभाग जिला हमीरपुर द्वारा छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला सेवा युवा एवं खेल अधिकारी रविशंकर द्वारा मेजर ध्यानचंद की फोटो के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान वहां पर उपस्थित खिलाड़ियों द्वारा हमीरपुर बाजार में रैली के माध्यम से खिलाड़ियों को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दिन प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से करने का आह्वान किया गया। जिला सेवा युवा एवं खेल अधिकारी रविशंकर ने कहा कि आज हमीरपुर के बाल मैदान में छोटे से कार्यक्रम का आयोजन कर खेल दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों द्वारा भाग लिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे उनके बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी फैली है, जिसकी वजह से कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। युवा सेवा खेल कार्यालय की तरफ से हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे यहाँ पर कार्य प्रशिक्षक अपने जो वॉलंटियर्स थे, यूथ ऑर्गेनाइजर थे, और वहाँ पे प्रशिक्षक देते हुए हमारे जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने यहाँ पे भाग लिया, और जो मेजर ध्यानचंद जो हमारे लीजेंड हैं उनके बारे में उनके बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार मेजर ध्यानचंद जी ने विश्व विख्यात अपना सुग्रुप बनाया। तो कोविड के चलते जो इस पर की इस वर्ष की जो प्रतियोगिता है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई, तो आशा है कि शीघ्र ये सब स्थिति सही होगी और ये कार्यक्रम बड़े रूप में किया जाएगा। धन्यवाद। आज जिला सेवा एवं खेल विभाग की तरफ हमीरपुर की तरफ से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट को योगदान देने के लिए बच्चों को बताया गया कि जो दिन प्रतिदिन की शारीरिक गतिविधियाँ हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं। कोविड के चलते जो कि ग्राउंड है उनके जो खेले हैं वो जो बाधा पहुंची है उसको अपने आप ही अपने घर पे सोशल डिस्टेंसिंग बना के उसको चलाते रहें, ताकि शरीर की गतिविधियाँ हैं सुचारू रूप से चल सकें और भावी भविष्य में प्रतियोगिताओं के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के पीछे खेल और खेल भावना और खिलाड़ियों को सम्मान देना है। इसके अलावा प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाने से लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करने का मुख्य काम भी किया जाता है। इस तरह के दिवस युवाओं को मान्यता देते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं और विभिन्न खिलाड़ियों के काम की प्रशंसा करते हैं और युवाओं के बीच खेलों के प्रति जागरूकता भी पैदा करते हैं। यही कारण है कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ताकि हॉकी के जादूगर को हर साल याद किया जा सके। मेजर ध्यानचंद ने अपने हॉकी करियर में 400 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल किए थे। उनके नाम 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल हैं। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 11 गोल किए थे। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 38 गोल किए थे, जिसमें सिर्फ एक गोल खाया था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ध्यानचंद ने 5 मैचों में 14 गोल किए थे। फाइनल में हॉलैंड को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस मैच में ध्यानचंद ने 2 गोल किए थे।